गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया था कि मंडे को आपके पास एक ऐसा सिस्टम रहेगा, एक ऐसा अरेंजमेंट रहेगा जिसमें वो सारे वर्ड्स जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वो सारे वर्ड्स इसमें आपको दे जाएंगे। ठीक है, जो भी 60 वर्ड्स के आसपास मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ये वही सारे वर्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। बस आपको करना क्या है, हर एक वर्ड पर आपको 10 सेकेंड आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस 10 सेकेंड में क्या करना होगा आपको, जो वर्ड सामने आपको दिख रहा है उस वर्ड का जो भी सरनेम आपको आ रहा हो लिख लें, अपना नहीं आ रहा हो सोचने की कोशिश करें कि क्या ये वर्ड आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में जब सारी वर्ड्स 10 सेकेंड पे आ जाएंगे, मैं इन सारी वर्ड्स के सरनेम से उनके जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे आप अपनी कॉपी हो, पेन हो, जो भी हो, जैसे भी आप लिखना चाहते हो वो ले लें और तैयार हो जाएं। ठीक है, तैयार हो जाएं जल्दी से ताकि मैं ये सीरीज अपनी स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, फिर मैं डिसअपियर हो जाऊंगा आपके स्क्रीन से, वर्ड्स दिखेंगे और उन वर्ड्स पे आपको अपना अपनी कॉपी पे सरनेम्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, तैयार हो जाए बच्चों, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आपके सामने ये, लेकिन उससे पहले मैं गायब हो रहा हूं। ठीक है, फिर वर्ड्स रहेंगे आपके पास और आप उन्हें सॉल्व करिएगा। ये मैं गायब हो गया और अब आपके सामने ये वर्ड्स हैं, आपके सामने ये 10 सेकेंड पे चेंज होते जाएंगे। शुरू हो जाए।
यहाँ पर डिसग्रंटल होगा, चलिए बच्चों ये 10 वर्ड्स आपके सामने थे और ये 10 वर्ड्स आपके सामने जो हैं इन सारे शब्दों के अब मैं आपको जो सरनिमिशन के मीनिंग्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा, जैसे आपने इन शब्दों में से कुछ ऐसे शब्द रहे होंगे जिनके सरनिम्स या उनके मीनिंग्स आपको नहीं आती रहे होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा मकसद आपको टेस्ट करना नहीं, आपको तैयार कराना है, आपको ये एहसास दिलाना है ये वो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स के हैं, तो आपको हर हाल में इन्हें क्या करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इनमें से कितने शब्दों को जानते हैं और कितने ऐसे इसमें शब्द हैं जो हमको नहीं आते। हर एक शब्द का मैं आपको उनकी मीनिंग्स और उनके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या करता जाऊँगा, आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। ये सामने आपके फिर से वर्ड्स आ गए हैं जैसा कि देख रहे होंगे आप, और ये सारे वर्ड्स जो हैं अब एक एक करके हम इन्हें क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये पहला वर्ड है आपके सामने, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फैसिलिटेट ये वर्ड आपको बताएगा कि इसी से फैसिलिटी आपने क्या किया होगा, बनाया होगा। तो अगर फैसिलिटेट का अर्थ अगर आप समझना चाहेंगे
तो फैसिलिटेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को आसान बना देना, सुगम बना देना, मीन्स उसे क्या कर देना और ईजी कर देना। अगर वर्ड के रूप में ऐसे में यूज़ करें तो किसी चीज़ को मेक ईजियर कर देना, मीन्स उसे सिंप्लीफाई कर देना और आसान बना देना, फैसिलिटेट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्रवेट। एग्रवेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत खराब कर देना, बदतर कर देना और बदतर अवस्था में लेते जाना, मीन्स उसे क्या कर देना, वर्षन कर देना, मीन्स उसे और अधिक एग्जैस्परेट कर देना, एग्जैस्परेट कर देना, और अधिक उसे पिक कर देना। बच्चों यहां लिख देना, पिक कर देना, उसे एक तरह से राइल कर देना, मीन्स एग्रवेट कर देना और भड़का देना, गुस्सा दिला देना, खराब अवस्था में लेते जाना। नेमेसिस दो अर्थों में होता है, मैंने बताया था। अगर आप इसे एक अपोनेंट के अर्थ में, मीन्स विरोधी के अर्थ में लेंगे तो आपका वर्ड आप जानते हैं क्या हो जाएगा, अपोनेंट हो जाएगा या एडवर्सरी हो जाएगा, या एक सेंस में अगर हम देखें, सॉरी एन है, एनिमी हो जाएगा। लेकिन नेमेसिस का अर्थ बदला भी होता है, मीन्स ये भी अर्थ हो सकता है इसका, रिवेंज, रिवेंज है, रिवेंज भी हो सकता है। नेमेसिस का एक और अर्थ होता है पनिशमेंट के सेंस में, मीन्स दंड के सेंस में भी यूज करते हैं पनिशमेंट। ठीक है, नेमेसिस बदला भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड आपका कैपिचुलेशन। आपने पढ़ा था कैपिचुलेशन मीन्स आत्मसमर्पण, जो आत्मसमर्पण कर देता है मीन्स क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, मीन्स क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, वो कैपिचुलेशन मीन्स कैपिचुलेट कर देता है, मीन्स आत्मसमर्पण कर देता है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिव। स्ट्रिव मीन्स क्या होता है, बिखेर देना, फैला देना, मीन्स क्या कर देना, एक तरह से स्कैटर कर देना, क्या कर देना, डिस्पर्स कर देना, क्या कर देना, स्प्रेड कर देना। इसी का थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा था, जहां आपने स्ट्रिव पढ़ा था फैले हुए, बिखरे हुए के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, किसी चीज का रिवर्सल, यानी पुनः एक तरह से उसी स्थिति में वापस आ जाना। तो हम ये वर्ड ले सकते हैं, रिवर्सल ले सकते हैं। जो बच्चे आप में अच्छे होंगे उन्हें ये याद होगा, अबाउट फेस याद होगा, या अबाउट टर्न याद होगा, या यू टर्न याद होगा, या टर्न अराउंड याद होगा। मीन्स इन सब के मीन्स क्या होते हैं, एक तरह से वापस उसी स्थिति में आ जाना, अर्थात एटीट्यूड का पूरी तरह से क्या हो जाना, बदल जाना, दिस रिवर्स हो जाना, फ्लिप फ्लॉप हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेजियस। पढ़ा था आपने, कोई चीज बहुत भीषण है, बहुत भयानक है, बुरा है, तो वह एग्रेजियस है, मीन्स क्या है, वो हॉरिबल है, टेरिबल है, वो एग्रेजियस है, बुरा, भयानक, भीषण। नेक्स्ट वर्ड है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन डाइल्यूट से बना है, ठीक है, डाइल्यूट एक, अगर हम एक साइंटिफिक लेवल पे देखें तो हम किसी द्रव वगैरह को पतला, कोई सॉलिड चीज है, हम उसे पतला करने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम एक व्यवस्था के सेंस में देखें तो इस सेंस में भी हम डाइल्यूशन यूज करें, वीकेंड के सेंस में, तो इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, वीकेनिंग, ये आपका जीरण की तरह, नाउन की तरह काम करेगा। नहीं, एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को डाइल्यूट करने का कार्य कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, उसे डिसेलरेट कर रहे हैं, मीन्स डिसेलरेशन की तरह काम कर रहे हैं आप। ठीक है, डिसेलरेशन गति को कम कर देना, अर्थात एक तरह से कमजोर कर देना, कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है परवर्स। परवर्स मीन्स जो विकृत हो चुका हो, अपने रास्ते से भटक चुका हो, मीन्स क्या हो चुका हो, वो
करप्ट हो चुका हो या क्या हो गया हो, इम्प्रॉपर हो चुका हो या क्या हो गया हो, इमोरल हो चुका है, वह परवर्श हो चुका है, मीन्स विकृत, भ्रष्ट। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन आपको याद होगा किसी चीज में छूट दे दी जाती है, रियायत दे दी जाती है, यानी एक तरह से कहीं कहीं आपको क्या दिया जा रहा है, कंसेशन दिया जा रहा है आपको, क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको, क्या दिया जा रहा है, रिबेट दिया जा रहा है, मीन्स आपको कहीं कहीं एक जनरेशन दिया जा रहा है। एक मिनट पेन रुक गई, हाँ, एक जनरेशन दिया जा रहा है, मीन्स क्या दी जा रही है, एक छूट दी जा रही है, कहीं कहीं एक्सक्लूजन दिया जा रहा है आपको, दिस इज एग्जेम्पशन, छूट एक तरह से दी जा रही है। एबॉलिशन क्या होता है, जब हम किसी कानून, किसी नियम वगैरह को पूरी तरह से, प्रथा वगैरह को, सिस्टम को समाप्त करने का कार्य करते हैं, तो वो एबॉलिशन होता है, मीन्स क्या होता है एक प्रकार का, ये एब्रोगेशन होता है, मीन्स क्या होता है, एनुलेशन होता है, मीन्स क्या होता है, कैंसिलेशन होता है, दिस इज एबॉलिशन। क्रश क्या होता है, दो अर्थों में होता है, जो एक अर्थ मैंने पढ़ाया था वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। क्रश मीन्स होता है अ फाउंडलिंग हॉस्पिटल, मीन्स क्या, शिशु गृह, यानी ऐसे बच्चे जो फाउंडलिंग हो, परित्यक्त हो, त्याग दिए गए हो, उनके जो रहने का स्थान होता है वो क्या होता है, अब फाउंडलिंग हॉस्पिटल होता है, मीन्स एक शिशु गृह होता है, अर्थात क्रेश होता है। वैसे जो कुछ एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके समूह को भी, ग्रुप को भी हम क्रेश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन दो अर्थों में यूज होता है बच्चों, एक अर्थ क्या होता है जो आप जानते हैं शायद, और स्टॉक ऑफ फूड, आपने अक्सर देखा होगा दुकानों के ऊपर लिखा होता है प्रोविजनल स्टोर, क्यों, क्योंकि जो आपकी नेसेसरी चीजें आपके लाइफ की होती हैं, जो जनरल स्टोर के सेंस में होता है, वो वहां मिल जाती हैं प्रोविजनल स्टोर पे। लेकिन प्रोविजन एक और होता है, अगर आपको याद हो, इस सेंस में, प्रावधान के सेंस में, तब क्या हो जाएगा, कोई प्रोविसो हो जाएगा, मीन्स कोई स्टिप्यूलेशन हो जाएगा, ये अर्थ इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ है, वर्ड है एम्बार्क। आपको याद होगा एम्बार्क मीन्स किसी यात्रा वगैरह पे, कार वगैरह पे स्टार्ट करना, निकलना, स्टार्ट करना, मीन्स बिगिन करना, मीन्स कमेंस करना, ठीक है, शुरुआत करना। नेक्स्ट वर्ड है मूट। मूट क्या होता है, कोई विवाद होता है, यानी कोई ऐसी चीज जो आपके लिए कहीं कहीं क्या है, डिबेटेबल है, मीन्स डिबेटेबल है, मीन्स क्या है वो, एक नंबर चुप पेन रुक जा रही, चलिए, वो डिस्प्यूटेबल है, मीन्स क्या है, कंट्रोवर्सियल है, मीन्स क्या है, विवादित है, यानी एक ऐसी चीज जिस पर डिस्प्यूट किया जा सकता हो, विवाद किया जा सकता हो, वह आपका मूड। एक और वर्ड याद होगा जो अक्सर अपनी लाइफ में भी आप यूज करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल, दिस इज मूट, है ना, ये एक मूट पॉइंट है, मीन्स क्या है, एक विवाद का विषय है ये। कंटेम्प्ट जानते होंगे, घृणा को कहते हैं, मीन्स किसी के प्रति जो ये है ना आपका निरादर, या अगर कोर्ट की भाषा में कहें तो अवमानना होता है, तिरस्कार कहते हैं आप, अर्थात एक प्रकार का हेट्रेड या एक प्रकार का स्कॉर्न होता है, ये क्या है आपका, कंटेम्प्ट है, जब आप किसी के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाते हैं तो यह एक कंटेम्प्ट होता है आपका। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो इंसल्ट के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है रिपैट्रिएशन।
रिपैट्रिएशन क्या होता है बच्चों? ये होता है स्वदेश में आगमन। आप ये समझते होंगे ये किसका अपोजिट है, ये है एक्सपैट्रिएशन का। जब कोई रिपैट्रिएशन करता है तो वो अपने देश में वापस आता है, और कोई एक्सपैट्रिएशन करता है तो वो अपने देश को छोड़कर जा रहा होता है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं रिटर्निंग टू वंस कंट्री, यानी जब अपने देश में आप वापस आते हैं तो आप रिपैट्रिएट करते हैं, अर्थात आपका रिपैट्रिएशन होता है, और जब देश छोड़कर जाते हैं आप तो आप एक्सपैट्रिएट करते हैं, मीन्स आप एक्सपैट्रिएशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मनीवर। मनीवर क्या होता है? अगर हम एक चाल यानी एक टैक्टिक्स के सेंस में लें तो यह क्या है एक प्रकार की, यह एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है, मीन्स क्या है, एक यह डिवाइस है, मीन्स कहीं ना कहीं यह एक टैक्टिक्स है, मीन्स चाल है। वैसे जहां पे नेवल या आर्मी फोर्सेस का जो युद्धाभ्यास होता है, युद्ध का अभ्यास होता है, मूवमेंट होता है, वो भी क्या होता है, मनीवर होता है। लेकिन इसका नॉर्मल जो यूज होता है एक चाल के सेंस में, एक टैक्टिक्स के सेंस में हम यूज करते हैं। ये वर्ड भी अगर आपको याद हो, डिसेप्शन मीन्स चाल, इस सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी का अर्थ याद होगा आपको, जो अनिवार्य हो, आवश्यक हो। जब कानून के द्वारा मीन्स एक लॉ के द्वारा या किसी रूल के द्वारा या फोर्स के द्वारा आपको मजबूर कर दिया जाए तो वो कार्य क्या होता है, मैंडेटरी होता है, मीन्स क्या हो जाता है आपके लिए, वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, कंपल्सरी हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, आपने पढ़ा था ये वर्ड, इंपरेटिव हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, भी नॉन इलेक्टिव हो जाता है, मीन्स क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है, मीन्स आवश्यक हो जाता है, और ये वर्ड तो आप बचपन जानते हैं, नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ठीक है, मैंडेटरी आवश्यक। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। बहुत बार होता है ना, लोग क्या हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं किसी चीज के प्रति, बहुत हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मीन्स इमूवेबल हो जाते हैं, मीन्स इम्प्लैकेबल हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाते हैं, वो स्टबर्न हो जाते हैं, मीन्स कठोर हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, तो वो स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिपोर्टेशन। आप समझते होंगे ये डिपोर्ट से बना है, डिपोर्ट किसी को देश से बाहर निकाल देना, तो आप डिपोर्ट कर रहे हैं उसे, अर्थात आप उसे एक तरह से बैनिशमेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बैनिशमेंट दे रहे हैं, देश से निकाल रहे हैं, मीन्स बाहर निकाल रहे हैं, आप उसे एग्जाइल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, आप उसे एग्जेम एक क्या उसे कहते हैं, एक्सपल्सन दे रहे हैं बच्चों, एक्सपेंशन कर रहे, ये क्या है, डिपोर्टेशन, ठीक है, देश से बाहर निकाल देना। आउस्ट भी वही होता है, लेकिन आउस्ट में देश से बाहर नहीं निकालते, अगर आप किसी को उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी पोजीशन से बाहर निकालते हैं, मीन्स उसका छीन लेते हैं, तो आप उसे आउस्ट करते हैं, मीन्स आप उसे, ये वर्ब के रूप में है, आप उसे एक्सपेल करते हैं, मीन्स डिसमिस करते हैं, मीन्स आप उसे टर्न आउट कर देते हैं, मीन्स बाहर निकाल देते हैं। अडामेंट भी कौन होता है, जो स्ट्रिंजेंट होता है, अर्थात जो बहुत किसी चीज पे कठोर हो जाए, मतलब हट पकड़ ले, नहीं मुझे एक कार्य करना है, वो कौन है हो जाएगा, वो बुल हेडेड हो जाएगा, वो हार्ड नोज्ड हो जाएगा, वो हेड
स्ट्रांग हो। हेड स्ट्रांग भी वही होता है जो एक तरह से आप इमूवेबल के सेंस में ले सकते हैं, जो अभी आपने लिखा था स्ट्रिंजेंट के सेंस में, मीन्स वो कठोर है, अर्थात जो निर्णय उसने लिया है वो उस पर डटा हुआ है, वो उससे हटना नहीं चाहता है। सॉलिडरिटी क्या होती है? जब आप एकजुटता दिखाते, एकता दिखाते हैं, तो एक सॉलिडरिटी होती है। मीन्स क्या दिखा रहे हैं आप? यूनिटी दिखा रहे हैं। मीन्स क्या दिखा रहे हैं आप? यूनिसन दिखा रहे हैं। ओ है यूनिसन दिखा रहे हैं। मीन्स क्या दिखा रहे हैं आप? हार्मनी दिखा रहे हैं। मीन्स क्या दिखा रहे हैं आप? कोहेशन दिखा रहे हैं, मेलजोल दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। दिस इज सॉलिडरिटी। प्रोट्रैक्ट क्या होता है? किसी चीज को लंबा खींच देना। मीन्स क्या करना? उसे प्रोलांग कर देना। मीन्स क्या कर देना? उसे इलांगेट कर देना। मीन्स क्या कर देना? उसे ड्रैग आउट कर देना। मीन्स क्या कर देना? खींच देना। मीन्स उसे आउट स्ट्रेच कर देना, या केवल स्ट्रेच कर देना। मीन्स उसका समय क्या कर देना? बढ़ा देना, प्रोट्रैक्ट कर देना। कोएलिशन आप जानते होंगे गठबंधन को कहते हैं, तो इसका जो सबसे बढ़िया वर्ड हो सकता है आप जानते हैं अलायंस होता है ना, अलायंस हो सकता है इसका, कोएलिशन का गठजोड़। एनेक्सेशन भी वही है थोड़ा बहुत, बट दो अलग अलग क्षेत्रों को, टेरिटरीज को जब हम मिलाने का कार्य करते हैं तो हम उन्हें एनेक्स करने का कार्य करते हैं। मीन्स हम उनके, सॉरी बी है, कॉम्बिनेशन का कार्य कर रहे हैं, हम उनके अटैचमेंट का कार्य कर रहे हैं, हम उनके अमेलगमेशन का कार्य कर रहे हैं। मीन्स उन्हें मिलाने का, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दिस इज एनेक्सेशन। स्टेलमेट इंपॉर्टेंट है बहुत कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेलमेट आप जानते हैं, कोई डेडलॉक, कोई स्टैंड ऑफ, कोई इम्पास, या फिर कोई ग्रिडलॉक, या कोई ये बॉटल नेक, उधर नहीं लिखा रहा बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूं, चलिए लिखा नहीं रहा, बॉटल नेक हो जाएगा आपका। ये बॉटल नेक मीन्स भी अवरोध होता है। फैक्शन क्या होता है? कोई गुट, कोई बलवा, जब आप कहीं पर किसी ब्लॉक की बात कर रहे हो, या ये ब्लॉक भी लिख सकते हैं आप, ब्लॉक की बात कर रहे हो, या किसी सेक्ट की बात कर रहे हो। एक मिनट बच्चों, ये हमें लग रहा है लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, ये आ गया आपके सामने, और मैं फिर से लिख दे रहा हूँ जो वर्ड्स मैं लिख रहा था। देखें, कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, कोई विंग है, या कोई सेक्ट है, मीन्स कोई गुट है किसी, स्पेशली किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वह एक फैक्शन कहलाता है। सर्विलांश क्या होता है? किसी चीज पर जब आप अपनी निगरानी रखते हैं तो आप उसे अपने सर्विलांस में रखते हैं। तो आप उसे किस में रख रहे हैं? आप उसे अपने सुपर विजन में रख रहे हैं, या फिर आप उसे अपने गाइडेंस में रख रहे हैं, या आप उसे अपने हेड शिप में रख रहे हैं, मीन्स निगरानी में रख रहे हैं, अपनी निगाह, अपनी वॉच में रख रहे हैं आप उसे। इनएविटेबल तो आपने कई बार पढ़ा, आपको याद हो गया होगा, जो चीज अनअवॉइडेबल हो, जो चीज इंडिस्पेंसेबल हो, जो चीज इंट्रोवर्टिबल न हो, मीन्स वो इनएविटेबल है, अर्थात वो क्या है? अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता है, वो अनअवॉइडेबल। एक और वर्ड याद होगा आपको बच्चों,
इनएस्केपेबल है, अर्थात जिससे बचा न जा सकता हो, वो इनएविटेबल है आपका। नेक्स्ट वर्ड कंप्लेशेंट, आपको याद होगा कंप्लेशेंट में जो संतुष्ट हो जाए, आत्मसंतुष्ट हो जाए, अर्थात जो क्या हो जाए, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है वो कंप्लेशेंट होता है, मीन्स आत्मसंतुष्ट हो जाता है। सिमल्टेनियस आपको याद होगा जब घटनाएं एक साथ हों, अर्थात क्या हो, वो कंटेम्पोररी हो, है ना, एक साथ हों, या क्या हो, कॉनकरेंट हो, क्या हो, कॉनकरेंट, अगर वो एक साथ घटनाएं हो रही हैं तो वो सिमल्टेनियस कहलाती हैं। आप साफ देख नहीं पा रहे जो लिख रहा हूं, लिखने में दिक्कत आ रही मुझे थोड़ी सी, कंटेम्पोररी या कॉनकरेंट हो या कोइंसिडेंट हो, वो सिमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपका रिसर्जेंस आप देख रहे होंगे, और रिसर्जेंस आप जानते हैं किसी चीज का पुनः एक तरह से अस्तित्व में आ जाना, रिबर्थ कर जाना, जैसे आप कुछ वर्ड जानते हैं रिसर्जेंस, जैसे आपने कहा इस चीज का रिबर्थ हो रहा है या रिवाइवल हो रहा है, तो वो रिसर्जेंस हो रहा है, मीन्स पुनरुत्थान हो रहा है, पुनः अस्तित्व में आ रहा है। सब्सटेंशिव आपको याद होगा कोई चीज जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, वो क्या है, सब्सटेंशिव है, मीन्स महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है वो। सरपास आपको याद होगा, सरपास जब आप किसी को पीछे छोड़ देते हैं, उसे आगे निकल जाते हैं, मीन्स आप उसे क्या करते हैं, आउट डू करते हैं, क्या करते हैं, आउट डू करते हैं, एक्सेल कर देते हैं आप उसे, मीन्स क्या करते हैं, एक्सेल, ये है आपका एक्सेल कर देना, किसी को पीछे छोड़ देना। सेडिशन आपको याद होगा, राजद्रोह को कहते हैं, तो आप एक शब्द में अगर कहें तो आप इसे रैबल राउजिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रैबल राउजिंग, ये रैबल राउजिंग, या एजिटेशन आपने सुना होगा, ये सेडिशन होता है, मीन्स राजद्रोह हो। इंटिमिडेट क्या होता है, किसी को डराना, जब आप किसी को अपाल करते हैं, मीन्स उसे क्या करते हैं, डराते हैं, आप किसी को स्केयर करते हैं, मीन्स उसे क्या करते हैं, डराते हैं, आप किसी को फ्राइटन करते हैं, क्या करते हैं, फ्राइटन, तो आप क्या करते हैं, उसे डराते हैं, मीन्स स्केयर करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं। कॉम्बैट क्या होता है, याद करिए, कॉम्बैट मीन्स लड़ाई, तो क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा, कॉम्बैट मीन्स लड़ाई हो जाएगा, फाइट, ये DIS रहेगा बच्चों, मैंने बोला था DIS, डिसग्रंटल, डिसग्रंटल क्या होता है, किसी को नाराज कर देना, उसे नाखुश कर देना, मीन्स क्या कर देना, उसे अन्वाय कर देना, क्या कर देना, अन्वाय कर देना, नाराज कर देना, राइल कर देना, एंगर कर देना। परपोर्ट क्या होता है, कोई इरादा करना, किसी चीज की चाहत रखना, जो आपका कहने का कोई उद्देश्य होता है, इरादा होता है, वो परपोर्ट होता है, मीन्स क्या करना, एक तरह से इंटेंड करना, बच्चों इंटेंड है, इंटेंड करना, इरादा करना। नेक्स्ट वर्ड आपका फॉल आउट, फॉल आउट क्या होता है, कोई घटना हो रही, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रही है, तो उसका जो एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो फॉल आउट्स होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, परिणाम, स्पेशली बुरे परिणाम के रूप में हम फॉल आउट का यूज करते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। एक मिनट बच्चों, बस ये पेन जो है रुक जा रही है, चलिए बच्चों ये फिर से आ गया आपके सामने, ये तो फॉल आउट को हम कह सकते हैं अ सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, बोल दे रहा हूं मैं,
अ सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी किसी घटना का कोई परिणाम जो होता है वो फॉल आउट होता है। ब्रीच आपको याद होगा, जब आप किसी चीज का उल्लंघन करते हैं, मीन्स उसे क्या करते हैं, आप वायलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, मीन्स उल्लंघन कर रहे हैं, उसे ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन आपको याद होगा, अभियोग के सेंस में, अभियोजन के सेंस में, अगर इस सेंस में लेंगे आप तो आप एंटी इंडिक्टमेंट ले सकते हैं। ये वर्ड यूज कर सकते हैं इंडिक्टमेंट, या ये वर्ड यूज कर सकते हैं चार्ज, यानी इंडिक्टमेंट ले लें, चार्ज ले लें, या इंपीचमेंट ले लें, ये आपका प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोग या अभियोजन। फॉल बैक अपान क्या होता है, किसी चीज का सहारा लेना, मीन्स पीछे कोई चीज हो उसका सहारा लेना, तो आप कह सकते हैं ये रिकोर्स, रिकोर्स है ये, रिकोर्स सहारा लेना किसी चीज का, लिखने मुझे लगता है पता नहीं क्यों पीपीटी की वजह दिक्कत आ रही है, रिकोर्स सहारा लेना किसी चीज का, फॉल बैक ऑन। अ ग्रे एरिया क्या होता है, जो चीज अनक्लियर हो, क्या हो, अनक्लियर हो, मीन्स जो अस्पष्ट न हो वो क्या होता है आपका, वो ग्रे एरिया होता है, अनक्लियर, ठीक है, जो ग्रे एरिया है मीन्स अनक्लियर है, अस्पष्ट है। चीक बाई जाउल आपको याद होगा, मैं बोल दे रहा हूं, चीक बाई जाउल समझते हैं, वेरी क्लोज टूगेदर, यानी जब कोई बहुत क्लोज पास पास होता है तो वो चीक बाई जाउल है, idiom के रूप में यूज किया जाता है। स्टेप असाइड भी ऐसे समझ सकते हैं, मीन्स एक तरफ हो जाना, हट जाना किसी जगह से, ये स्टेप असाइड होता है आपका। टर्न आउट टू भी क्या होता है, किसी चीज का पता चलना, क्या होता है, किसी चीज का पता चलना, जैसे आपने किसी चीज के बारे में कुछ और सोचा रहा हो और बाद में आपको कुछ और पता चले, तो यह टर्न आउट टू भी होता है। ध्यान रखिएगा, केवल टर्न आउट क्या होता है, किसी को बाहर निकाल देना, और नाउन के रूप में टर्न आउट क्या होता है, कोई ऐसी घटना का पता होना, ये टर्न आउट होता है, ठीक है। लेकिन टर्न आउट टू भी क्या होता है, किसी चीज का बाद में पता चलना, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं था। बीफडल आपने पढ़ा था, किसी को कन्फाउंड कर देना, क्या कर देना, कन्फाउंड, बच्चों लिखने में दिक्कत आ रही है, कन्फाउंड कर देना मीन्स कन्फ्यूज कर देना, परप्लेक्स कर देना उसे, मीन्स भ्रमित कर देना, भ्रम में डाल देना, ये बीफडल कर देना, पगला देना जिसको आप कहते हैं, वो बीफडल होता है। स्पेक्यूलेट क्या होता है, किसी चीज पर विचार करना, मीन्स उस पर मनन करना, अर्थात उस पर विचार विमर्श करना, दिस इज स्पेक्यूलेट करना, मीन्स ब्रूड करना, कह सकते हैं थिंक करना, कंसिडर करना होता है ना, रेकन करना, ये स्पेक्यूलेट करना मीन्स विचार विमर्श करना, सोचना, चिंतन करना। एलिगेशन याद होगा आपको, एलिगेशन मीन्स आरोप, यही ना, आरोप, एली से बना है, तो एलिगेशन आरोप मतलब कोई इंडिक्टमेंट, कोई इंपीचमेंट, कोई ब्लेम, कोई चार्ज, ये क्या है, एलिगेशन होता है, आरोप होता है। सीवियरिटी याद होगा, किसी चीज की तीव्रता है ना, उसकी जो तीव्रता इंटेंसिटी होती है, या उसकी जो शार्पनेस होती, क्या होती, तीव्रता या इंटेंसिटी जो होती है, या रैपिडिटी जो होती है, वो सीवियरिटी होती है उस चीज की, तीव्रता। राइवलरी क्या होती है, किसी से आपकी प्रतिद्वंदिता, यानी जिस चीज पे आपका कंपटीशन हो वह राइवलरी होती, क्या हो, कंपटीशन हो वो राइवल। बहुत बार ऐसा होता है, दो तीन चार लोग किसी प्रतिस्पर्धा में क्या ले रहे हो, भाग ले रहे हो, ठीक है, उस प्रतिस्पर्धा में जिसमें उनका कहीं कहीं कंपटीशन की भावना हो, तो वो राइवलरी है, वो कंपटीशन है, वो एम्यूलेशन है, ई एम यू एल ए टी आई एन, वो एम्यूलेशन होता है, ये राइवलरी, प्रतिद्वंदिता। अर्स्टवाइल क्या होता है, पढ़ा था आपने, याद होगा, जो भूतपूर्व हो, यानी फार्मर या प्रीवियस जो हो, वो आपका अर्स्टवाइल होता है। जुडिस, जुडिस दो सेंस में होता है, अगर कोई चीज न्याय संगत है
तो वो जस्टिफिएबल होता है. क्या होता है? जस्टिफिएबल, JUSTIFIABLE, जस्टिफिएबल होता है. लेकिन अगर कोई विवेक सम्मत हो, विवेकपूर्ण हो, तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाए. RATIONALE, रैशनल मीन्स जुडिशियस, विवेक सम्मत, विवेकपूर्ण. पेस्टिलेंस आपको याद होगा, पेस्टिलेंस मीन्स महामारी, अर्थात कोई एपिडेमिक, कोई पैंडेमिक जो होता है वो पेस्टिलेंस होता है. टेलस्पिन क्या होता है? कोई चक्कर, कोई जो वर्ल होता है, कहीं पर कोई डिजीनेस होता है, वो टेलस्पिन होता है. मीन्स एक ऐसी अवस्था जहां मानसिक रूप से आदमी व्यथित हो जाए, वो टेलस्पिन है, एक वर्ल है वो. ह्यूमिलिएशन आप समझते होंगे, निरादर, अपमान, जब आप किसी का इंसल्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, डिसऑनर करते हैं, तो आप उसे ह्यूमिलिएशन दे रहे होते हैं, मीन्स अपमानित कर रहे होते हैं, अपमान कर रहे होते हैं. पैच वर्क क्या होता है? कोई घपला, कोई गड़बड़ी, जब आप किसी में मेस कर देते हैं, MESS, मेश कर दें, फश, FUSS, फश कर दें, मडल कर दें, MULLE, मडल कर दें, बंगल कर दें, BUNGLE, बंगल कर दें, तो आप कहीं कहीं पैच वर्क कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, फूहड़ काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं आप. चलिए बच्चों, ये सारे वर्ड्स थे जो मैंने लास्ट में थोड़े से लिखने में प्रॉब्लम हुई, बट इस सारे 60 वर्ड्स थे आपके, ठीक है. सुपर 60 एजुकेशन हब में ये 60 वर्ड्स आपको दिए गए सिर्फ इसलिए कि ताकि आप जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो उसका आपको क्या मिले? फायदा मिले, ठीक है. नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ मैं आपसे, और फिर तब तक के लिए अलविदा, ठीक है. मिलते हैं आपसे फिर हम, और फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी. आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, जो बच्चे नए हों वो सब्सक्राइब करते जाएं, और बाकी बच्चे अपना लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करते रहें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.